हेलो स्टूडेंट्स एलिट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज एम ने प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं इसका मतलब यही है कि एम की तरफ से 19 जून को परीक्षा करवाने की पूरी तैयारी कर ली गई है ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं कहने का मतलब मध्य मत प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं और वो एम की परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं और कुछ बच्चे भी समय कम मिलने की वजह से परेशान हैं अपील करूँगा सिर्फ वही बच्चे इस पॉडकास्ट को सुने जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या किसी भी तरह से एम पी की उन्नीस जून को होने वाली इस एग्जाम से अपने आप को थोड़ा सा प्रभावित महसूस कर रहे हैं चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को तो जैसे कि आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं हो पा रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा फिलहाल स्थगित की जाए यह मांग चुनाव में लगे उन कर्मचारियों ने की है जिन्हें इस परीक्षा में शामिल होना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उन्नीस जून 2022 और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की सहायक यंत्री परीक्षा 3 जुलाई 2022 को होना संभावित है आयोग की इस परीक्षा में अनुमानित 10 प्रतिशत से अधिक शासकीय सेवक भी शामिल होते हैं मध्य मतलब प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तीन चरण एवं नगरीय निकाय चुनाव को दो चरण में करवाने के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है पंचायत चुनाव का प्रथम चरण 25 जून दूसरा चरण एक जुलाई को होना है साथ ही आगे बताया गया है कि जो इसका तीसरा चरण है वो आठ जुलाई को है और इसी प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के बारे में भी बताया गया है तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो अभ्यर्थी हैं जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है वो यही कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर ये परीक्षा जो है उन्नीस जून को करवा दी जाती है एक और अखबार में कुछ न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं एक और न्यूज़ है ये मध्य मतलब प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो और आज वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन जो है 19 जून 2022 को होना है अब इसमें भी वही लिखा हुआ है कि इसकी परीक्षा जो है वो चुनाव के बाद करवाने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है देखिए जब से एडमिट कार्ड आए हैं तब से लगातार जो सरकारी नौकरी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं कारण यही है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा सुनने में आया है कि उनकी चुनाव में चुनाव के कार्यों में ड्यूटी लगी होने के कारण उस समय जो है अवकाश नहीं मिल पाएगा तो कहने का तात्पर्य यही है मैंने कई बार आपको पॉडकास्ट के माध्यम से बताया है कि आप जो भी अपनी समस्या है वो लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर बताएं वर्तमान समय में आप सभी चुनाव आयोग के सभी कार्य देख रहे हैं आप उनको भी निवेदन कर सकते हैं और भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं मदद कर सकते हैं उनको भी आप अवगत करा सकते हैं निश्चित रूप से अगर सरकार चाहे लोक सेवा आयोग चाहे चुनाव आयोग चाहे तो यह परीक्षा कुछ समय के लिए डाली जा सकती है और एक आखिरी रास्ता हाई कोर्ट का भी है तो जिस पर लगातार आप सभी से कहा ही जा रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं जो सभी हैं आप जितने भी लोग समर्थन में हैं सबको बताया जा रहा है तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब आज 10 जून हो चुकी है और आपके पास मुश्किल से चार पाँच दिन का समय और है तो आप सभी कर्मचारियों को जितने भी आपके वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनसे बात करना है वो भी पत्र लिख सकते हैं आपके हितों की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी हैं ये संवैधानिक है किसी से विनती करना निवेदन करना किसी को पत्र लिखना किसी भी तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं है तो निश्चित रूप से आप प्रयास करते रहें क्योंकि चुनाव में ड्यूटी होने की वजह से आप अपना पढ़ाई और जो चीज़ें हैं परीक्षा से संबंधित तो वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप इनसे जुड़ें और आखिरी रास्ता हाई कोर्ट का है ही बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे मिलते अगले पॉडकास्ट में धन्यवाद